दुबई की शहजादी कही जाने वाली शेखा महारा ने अपने पति को डिवोर्स दे दिया है। दोस्तों यह बात इस समय पूरी मीडिया में ट्रेंडिंग पर है, लेकिन इन्होंने अपने पति को डिवोर्स क्यों दिया है आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसके पीछे का पूरा कारण आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों इन्होंने डिवोर्स इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से दिया है और उस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि शेख हमारा दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मखदूम की सबसे बड़ी बेटी है, जो कि दुबई की किसी भी कानून को नहीं मानती है, यहाँ तक कि यह हिजाब पहनना भी पसंद नहीं करती। और आपको ये बात भी बता दें कि शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मखदूम के पूरे 26 बच्चे हैं और शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मखदूम दुबई के रूलर के नाम से जाने जाते हैं और वह यहाँ के रूलर भी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शेख हमारा की शादी को लगभग 14 ही महीने पूरे हुए थे और इसी के बीच इनको लगभग 2 महीने पहले एक बच्ची हुई थी और बच्चा पैदा होने के लगभग 2 महीने बाद ही इन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया और यह तलाक इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से दिया है, जिस पोस्ट में लिखा हुआ है, प्रिय पति, चूंकि आप अन्य साथियों के साथ व्यस्त है इसलिए मैं आपको तलाक की घोषणा करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ। टेक केयर योर एक्स वाइफ। दोस्तों इस बात से आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दूं कि इनकी शादी में लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया था और इनकी शादी दुबई के बहुत बड़े आलीशान होटल में की गई थी, आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसी वजह से इनकी शादी भी मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चे में आई थी और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यह रिलेशन केवल 14 महीने ही टिक पाया है और अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले ही इन्होंने इस तलाक की घोषणा की है और यह अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर अपने घर पहुंच गई है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।